आया था स्कूल से कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रिंसिपल से आके बात करिए, हो सकता है कि कुछ वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करके कुछ फीस कम हो जाए। गवर्नमेंट कह रही है कि सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए और ये सारे जितने भी इनके खर्चे हैं उस सबको ऐड किया गया इन्होंने फीस में। कोरोना से बचाव के लिए अक्टूबर तक स्कूल खोलने पर प्रतिबंध होने के बावजूद अली नगर पंडित खेड़ा रोड स्थित सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल में प्रशिक्षण कार्य होते मिला। डीएम अभिषेक प्रकाश ने स्कूल व पूरे लखनऊ को नोटिस जारी किया था कि सभी स्कूल कोरोना महामारी के दौरान बंद रहेंगे। बावजूद इसके अली नगर रोड स्थित सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब किसी तरीके से बस पैसा इकट्ठा करके आए कि चलो बच्चा अटेंड करे, अब स्कूल में एडमिशन हो जाए, कि ग्रुप से ही निकाल दिया, बच्चे को रिमूव कर दिया ग्रुप से। मेरी ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया, और जबकि एक बच्चे की पूरी कंप्लीट फीस हम सबमिट कर चुके हैं 4 दिन पहले। आप बताइए इस लॉकडाउन में जब कमाई नहीं हो रही है, 4 महीने में कैसे 33,000 रुपए आदमी इकट्ठा कर लेगा जब 3 महीने से मार्केट ही बंद है। पहले फीस जमा करिए, जून तक आप क्लियर करिए, जून कहने तक क्लियर करने के बाद आपको टेस्ट में बैठने दिया जाएगा। हमने 1 महीने की फीस जमा की है इनको, 1 महीना। अगर आपने 2 जुलाई को फीस जमा करी, इनको अगस्त को बोलना चाहिए ना कि अगस्त में आप फिर जमा करिए। आप बराबर कहां से पैसा आदमी लाएगा, आप ही बताइए। जबरन फीस वसूलना, बच्चों को कलर ड्रेस में बुलाना, शिक्षकों को बुलाना जैसी मनमानियों की खबरें प्रतिदिन आती हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण जहां लोगों के पास पैसे नहीं है, वहीं सेठ हमा जयपुरिया स्कूल जबरन फीस वसूल रही है। अभिभावकों द्वारा फीस ना दे पाने पर बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा। अभिभावकों द्वारा फीस में छूट की मांग करने पर उनके बच्चों को स्कूल से निकाल देने की धमकी दी जा रही है। यहां तक कि स्कूल के सामने प्रदर्शन करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। स्कूल प्रशासन के बाउंसरों द्वारा अभिभावकों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। गवर्नमेंट कह रही है कि सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए और ये सारे जितने भी इनके खर्चे हैं उस सबको ऐड किया गया इन्होंने फीस में, सिवाय कन्वेंस को छोड़ के। कन्वेंस तो जनवरी है, ये ले ही नहीं सकते मेरा 5,000। यही नहीं, एक कमरे में 56 शिक्षक मौजूद थे। इसके अलावा स्कूल में 20 कर्मचारी भी मौजूद मिले। सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों को स्कूल प्रशासन मुंह चिढ़ा रहा है। वहीं योगी सरकार 69,000 भर्ती की तरह यहां भी खामोश है। जयपुरिया स्कूल की तरह प्रदेश के बाकी सभी स्कूलों की मनमानी चल रही है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक इंडिया।